वर्ल्ड कप का दावेदार कौन, मोहम्मद शमी या शार्दुल ठाकुर? वनडे में किसके आंकड़े बेहतर, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे शार्दुल ठाकुर के बैटिंग के आंकड़े, जिसकी वजह से उनको मोहम्मद शमी से पहले टीम में जगह मिल रही है। और उसी के साथ हम जानेंगे मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर के स्टैट्स का कंपेरिज़न, कि किसने कितने मैच खेले और कितने विकेट लिए हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं शार्दुल ठाकुर के बैटिंग की, जिसकी वजह से उनको मोहम्मद शमी से पहले टीम में जगह मिल रही है। तो ये रहे कुछ उनके ओडीआई करियर के स्टैट्स, जहां पर उन्होंने 25 इनिंग्स में 329 रन बनाए हैं और उनका एवरेज रहा है 17 का, और साथ ही एक 50 भी मारी है। वहीं शार्दुल ठाकुर के इस साल के स्टैट्स हम देखें तो ये रहे उनके कुछ स्टैट्स। तो कुल 6 इनिंग इन्होंने खेली है और 59 रन इन्होंने बनाए हैं और लगभग 10 का एवरेज इनका रहा है। तब शार्दुल ठाकुर के पूरे ओडीआई करियर के स्टैट्स और इस साल के स्टैट्स देखने के बाद मेरा इंडियन टीम मैनेजमेंट से यही सवाल है कि आप सोच रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर हमको नंबर 8 पर 10-15 रन बनाकर दे दे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मोहम्मद शमी बॉलिंग से 10-15 रन बचा भी तो लेंगे, आप ये तो सोचो। लेकिन चलो हम बैटिंग से आगे बढ़ते हैं और दोनों प्लेयर के बॉलिंग स्टैट्स पर आते हैं। तो ये रहे शार्दुल ठाकुर के वनडे करियर के बॉलिंग स्टैट्स, जहाँ उन्होंने 44 मैचों में 63 विकेट लिए हैं और 4 विकेट होल 3 बार लिया है। वहीं हम मोहम्मद शमी के ओडीआई करियर के आंकड़े देखें तो कुछ इस तरह है, जहां उन्होंने 94 मैचों में 171 विकेट लिए हैं और 4 विकेट होल 9 बार लिया है और 5 विकेट होल 2 बार लिया है। तो क्या ही बेहतरीन स्टैट्स है। अब अगर ऐसे मोहम्मद शमी खेलते हैं तो उनके पास 94 मैचों का भी अनुभव है और साथ ही उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप भी खेला है, तो उनको वर्ल्ड कप का भी अनुभव है। जब मोहम्मद शमी ने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था तब उन्होंने 4 मैचों में 14 विकेट लिए थे, एक बार 5 विकेट होल लिया था, एक बार 4 विकेट होल लिया था। तो क्या बेहतरीन वो बॉलिंग करते हैं ओडीआई में। तो ऐसे में मेरा वोट तो सिर्फ मोहम्मद शमी की तरफ ही जाएगा कि शार्दुल ठाकुर से पहले उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। आप किसको खेलते देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को।